अभी से जो दर्द उठ रहा है कि मैम बुढ़ापा तो आया नहीं लेकिन अभी से बुढ़ापे वाला दर्द क्यों तो आखिर इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जॉइंट्स का आज का आपका टॉपिक है और इससे पहले हम लोगों ने पूरी 206 सौ हड्डियाँ जो है वो याद की थी कोई समस्या तो नहीं लगी कि दो हड्डियां डिफिकल्ट हो रही हैं नाम बहुत ज्यादा टफ हो रहा है भाई ऐसा तो कुछ नहीं था एक बार जल्दी से बता दो जो भी आ गए हैं हमने पूरा कंकाल तंत्र पढ़ा था रात को किसी को ख्वाब में सपने में आ गया हो कि अरे मैडम रात भर नींद नहीं आई उस दिन आपने कंकाल तंत्र पढ़ा दिया था ऐसा कोई समस्या तो नहीं थी चलिए तो आज बात करने वाले हैं उन्हीं हड्डियों को जोड़ने वाले आखिर कौन से ऐसी चीजें होती हैं क्या क्या किस प्रकार से जो हड्डियां दिखती हैं हमें ये जुड़ती भी तो होंगी ना कहीं ना कहीं से कोई अगर आप दीवार इमारत बना रहे हो तो वहां पर ईंटों के बीच में सीमेंट लगाया जाता है यहां बात करें तो यहाँ पर ये जो इमारत पूरा शरीर बनके आपका तैयार हो रहा है आखिर किस प्रकार से हो रहा है कौन कौन सी हड्डियों के बीच के अलग अलग जोड़ यहाँ पर उपस्थित है क्लियर है सबको अभी जितने आ गए हैं एक बार क्लास को पहुंचा देना जल्दी से अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों तक जो जुड़ नहीं पाए हैं जिनको नहीं पता है क्लास शुरू हो चुकी है आपकी गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग चलिए बेटा दो छह कुल मिलाकर के आपकी जो हड्डियां हैं वो हमने याद करी थी कि किस प्रकार से अपेंडिकुलर और अक्षीय कंकाल के अंदर इनको हमने विभाजित किया है अब एक सिंपल सी समस्या तो मैडम ये आती है मन में सोचने वाली कि ये हड्डियां तो चलो ठीक है लेकिन इन हड्डियों के बीच में सपोर्ट करने वाला कौन यहाँ पर उपस्थित होता है आप देख रहे हो ये एक हड्डी है मेरे पास और ये दूसरी हड्डी है चाहे तो मुड़ करके टूट भी सकती है ना कि अगर मैं अपनी इस कोहनी की बात करूं एक तरफ बेंड हो रही है मैं मैं इसको पीछे ले जाना चाहूं तो क्या हो जाएगी बोलो की ना, कि मैं, मैं ना ना मैम इस कोहनी को और पीछे ले जाना चाहता हूं होगी नहीं भैया टूट जाएगी करके मत देखना ऐसा कोई काम तो ये जितना भी मूवमेंट इसके अंदर आपको दिखता है एक लिमिट तक होता है और वो लिमिट भी हमारी यहाँ पर चेक की जाती है किसके द्वारा ये हाँ पर उपस्थित है बोलो समझेगी नहीं ठीक है तो अगर हम इन्हीं बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बोन्स के अध्ययन को हमने ऑस्टियोलॉजी कहा था हमने बात की थी स्टडी ऑफ बोन्स नाम दिया था ऑस्टियोलॉजी ठीक है वर्ड किसके लिए आ रहा था वहां पर हड्डियों के लिए आ रहा था इन्हीं हड्डियों में अगर जोड़ अगर हम बात कर रहे हैं कि इनके बीच में कोई ना कोई जोड़ तो उपस्थित है वो एक नाम सुनते हो डॉक्टर ऑर्थो आता है आर्थ्रो आता है ऐसे अलग अलग नाम आते हैं हड्डियों से संबंधित ही इन्हीं हड्डियों को जोड़ने वाला जो जोड़ होता है उसे नाम देते हैं उसके अध्ययन को नाम देते हैं जॉइंट्स के लिए आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रो वर्ड जो है इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज क्या है जुड़ी हुई नजर आ रही है जुड़ी हुई नजर आ रही है तो आर्थ्रो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ऑस्टियो शब्द किसके लिए आ रहा है हड्डी के लिए आ रहा है हम यहाँ पर जोड़ों की बात कर रहे हैं आपके जितने भी जॉइंट्स हैं जितने भी अलग अलग आपकी हड्डियों को जोड़ करके ये रखे हुए हैं ठीक है ठीके? तो इसके अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं कुछ याद करेंगे हमारा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ होता है जिसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है कुछ याद आ रहा है भाई आर्थ्रोपोडा और इसको भी हम क्या कहते हैं शॉर्ट में कि आर्थ्रोवर्ड किससे संबंध में है जॉइंटेड जुड़े हुए जिनके हाथ पाँव जुड़े हुए होते हैं पोडा मतलब कुछ अपेंडेजिस से कि दो हाथ हैं दो पाँव हैं सब क्या हैं जुड़े हुए हैं तो आर्थ्रोपोडा वर्ड से भी हम क्या समझते हैं कि दे हैव हाँ ज्वाइंटेड अपेंडेजिस मतलब उनके हाथ पाओ हड्डियाँ जो है वो सब क्या हो रखी है जुड़ी हुई नजर आ रही है है ना अब तुम्हारा क्या है मैम सोच के बैठ जाएंगे कि मेरे दोस्त हैं उनके 208 हैं वो केस अलग होते हैं कि एक उंगली ज्यादा हो गई किसी की एक उंगली कम हो गई किसी के अंदर एक हड्डी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है वो केसेस जो हैं वो अलग अलग आपको नजर आएंगे हम तो नॉर्मल आम इंसान की बात कर रहे हैं ना बोलो कर रहे हो कि नहीं या तुम भी अलग ही लेवल पे चले जाते हो कि सारे अपवाद पहले उठा लाएंगे एक जनरल जो चीजें आपको पढ़ने के लिए आती हैं जो सवाल आते हैं पहले उनको तो समझो अब तुम ये कहते हो कि मैम मेरे पास दो हड्डिया हैं या एक हड्डी को मैंने एक मसल से जोड़ा है वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस डायग्राम को देखो और मुझे समझो और बताओ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ जरा ये क्या क्या चीजें दिख रही हैं हाँ भाई क्या समझ में क्या रहा है कि मामी हमारा एक हाथ है कोई डर घबराहट मत लेना ये हाथ है इसके अंदर हमारी हड्डी इसके ऊपर एक मसल लगी होती है उससे भी जुड़ी होती है और एक हड्डी दूसरी हड्डी से भी जुड़ी है मतलब अभी आपने एक डायग्राम देखा कि एक बोन ये है एक बोन ये है इसके अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है मैं कह रही हूँ आपके घुटने की हड्डी है कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो मैम डेफिनेटली ये दो हड्डियों को कुछ ना कुछ तो होगा जो जोड़ के रखा होगा और ऐसे ही सवाल आता है कि हड्डी को इसके ऊपर लगी हुई मांसपेशी से भी कोई ना कोई कनेक्ट कर रहा है भाई मैक्स बहुत परेशान है इनके दोस्त की दो हड्डी है बेटा सारे केसेस होते हैं ये बायोलॉजी है ठीक है ये सब आपका स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही आता है ये जोड़ों की बात हम पूरे कंकाल तंत्र में ही करते हैं और उसी के अंदर आपको ये सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे कि एक हड्डी को अब तुम देख रहे हो ऊपर से मैंने यहाँ से ये एक नर्व को उठाया तो ये हाथ का मूवमेंट होना शुरू हो गया हो रहा है कि नहीं हो रहा तो भैया इस सभी चीज़ों को हम दो नामों से जानते हैं कि एक बोन को दूसरी बोन से अगर जोड़ दिया जाए तो किसके द्वारा जोड़ोगे उसे जोड़ते हैं एक लिगामेंट के द्वारा किसके द्वारा लिगामेंट के द्वारा ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहां पर कि एक हड्डी ये रही एक हड्डी ये रही अब इन दोनों को ये जो साइड से जोड़ रहा है कि एक इस तरफ से इस तरफ से ये जो चीजें आप जुड़ती हुई देख रहे हैं बीच में कनेक्ट कर रहा है इसको नाम दिया जाता है लिगामेंट कई बार सुना होगा कई बार सुना होगा कि लिगामेंट क्या करता है दो हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है यही है लिगामेंट ध्यान से देख लो बिल्कुल और कैसे ये हड्डी आपकी आसानी से मूव कर पा रही है मतलब इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है दिख रहा है सबको क्लियरली बस मैम यही मूवमेंट है जो हमारे दो हड्डियों को जोड़ करके रखे हुए लेकिन इसके अंदर एक लिक्विड भी पाया जाता है इसके अंदर एक लिक्विड भी पाया जाता है आज के चैप्टर का नाम जो हमने स्केलेटल सिस्टम शुरू किया था उसी के अंदर जोड़ों का अध्ययन हम कर रहे हैं हड्डियों के अंदर जो जोड़ उपस्थित होते हैं सेम चीज आप कहाँ देख रहे हो देखो इधर इन दोनों के बीच में ये हिस्सा ये हिस्सा जो इसको कनेक्ट कर रहा है ये वाला हिस्सा अब ये थोड़ा सा और नीचे गया और ये टूट गया तो मैम कहते हैं ना हड्डी ब्रेक हो गई है बोन जो है उसमें फ्रैक्चर आ गया है तो बीच में से टूट गई है या इसको कनेक्ट करने वाला भाग जो है वो यहां पर खराब हो गया रप्चर हो गया टूट गया है क्या ये कहानी समझ आ रही है कि नहीं तो इसको कहा जाता है टेंडन क्या कहते हैं सॉरी ये नाम दिया जाता है लिगामेंट जो एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट कर रहा है वो क्रिकेट में करते हो ना एलबीडब्ल्यू आउट तो एलबीडब्ल्यू की जगह यहां पे तुम्हें याद रखना है एलबीबी याद रखना है एलबीबी एल से लिगामेंट बोन से बोन को ये कनेक्ट करता है एलबीडब्ल्यू डब्ल्यू की जगह यहां एलबीबी याद कर लोगे कि नहीं हां भाई बताइए जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि मैम ये क्या है एलबीबी लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट कर रहा है ऐसे ही हमने जो अगला वाला देखा ये हमारा लिगामेंट है लेकिन जो मांस पेशी से जोड़ते हैं उनको टेंडन का नाम दिया जाता है मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई देखो तुम्हारी ये एक हड्डी आ रही है ये एक मसल इसके ऊपर लगी है बाइसेप तो ट्राइसेप है अलग अलग मसल है ये बाइसेप जो आपका एक मसल दिखाई देता है इस मसल को अगर मैं हड्डी से जोड़ रही हूँ उसको नाम दिया जाता है इस जोड़ने वाले फैक्टर को नाम दिया जाता है यहाँ पर टेंडन ठीक है

ठीक है कोई अन्य रिलेशनशिप यहाँ पर मत बनाइएगा तो ये आपके कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं कुछ ऐसे उत्तक हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं है, मसल से जोड़ दे हड्डी से जोड़ दे जोड़ तो रहा है ना कनेक्ट तो कर रहे हैं तो ये संयोजी उतक के ही भाग हैं जो हमारा रुधिर होता है जैसे हमने पढ़ा था ब्लड क्या है एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी हमारा क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर दिख रहा है क्या ये बात सबको क्लियर है तो भैया ये दो नाम लिख लीजिएगा कि एक लेगामेंट है और दूसरा बोन को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन के नाम से जाना जाता है टेंडन के नाम से और ये दोनों क्या हैं इनको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ठीक है अब दूसरी चीज आती है कि मैम सारी हड्डियां तो मूव नहीं करती ना क्यों भाई जल्दी से बताओ एक बात सारी हड्डियां तो मूव नहीं करती कुछ ही मूव करती है ना सारी हड्डियां तो मैम मूव करती हुई दिखाई नहीं देती अब आपके मूवमेंट के आधार पे हमने इन जोड़ों को इन जॉइंट्स को तीन भागों में बांट दिया पहला बना कार्ड इसको लिखते हैं फिब्रस जॉइंट देखिए अगर हम फिब्रस जॉइंट की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है जोड़कर जोड़ हम संधि तो अचल। अचल मतलब नहीं, नहीं है जरा सा भी मूवमेंट नहीं होगा तो फिर मैम मैं इसे कैसे समझूं कहा होगा ये अब कुछ हड्डियां जैसे कि हम अपने स्कल की बात करें आपने कहा स्कल में आठ हड्डी है स्कल में आठ हड्डी अच्छा सबको समझ में आ रहा है ना सबको क्लियर हो रहा है चीजें क्लियर हो रही है तो सेशन को अपने भाइयों बहनों तक पहुंचा देना और बिना कॉपी पेस्ट करे कलम किताब उठा लो लिख लो नोट्स बना लो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए अभी सवाल पूछूंगी कितना पढ़ा है तब देखेंगे भैया कितने पानी में हो अब जो मूव नहीं करते उन्हीं की बात कर रहे हैं हम देखो जरा फिर तुम कहते हो मैम रात में ना डर लग जाता है हमको ये स्कल है ये खोपड़ी है क्या इस खोपड़ी के ऊपर के लगे हुए कपाल के सारी हड्डियां अगर किसी दिन मूव करनी शुरू हो जाए तो सोचो क्या हाल होगा फिर तुम घबरा जाओगे अरे ये क्या हो गया यहाँ बहुत सारी हड्डी है ये मूव नहीं करती बट आपस में जुड़ी हुई है जैसे किसी के हाथ पे चोट लग जाए कहीं कोई अः टांके लगाए जाते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बात करें तो सूचर कहा जाता है ये उन्ही टांको से क्या है जुड़ी हुई है ये सारी हड्डियां इस प्रकार से जो आप देख रहे हो बीच में ये टांको से यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं और ऐसा नहीं है कि ये टांके डॉक्टर ने लगाए ये ऊपर से पैदा होते ही भगवान भेजता है तुम्हें तो भैया वो टांके जो हैं वो बचपन बर्थ से ही आपको अंदर ये सारी हड्डियां जुड़ी हुई नजर आती हैं तो इस प्रकार के जोड़ को नाम देते हैं अचल जहाँ कोई भी चाल चलन नहीं है इसका दूसरा एग्जांपल मतलब एक तो मैंने देख लिया आपके इस कपाल की हड्डी को दूसरा अगर मैं बात करूं एक दांत और जबड़े के बीच में मुझे बताओ दांत और जबड़े के बीच में कभी मूवमेंट होता है तुम कहोगे हाँ मैम बचपन में ना बहुत सारे दांत टूटे हैं और दांत हिलना शुरू कर देते थे होता था ऐसा दांत जो है वो हिलना शुरू कर देते हैं या तो वो दांत हिलेगा तो टूट जाएगा या फिर वो फिक्स रहेगा कभी भी बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते थे उसे तुम ये नहीं कह सकते वो दांत हिल रहा है चलो तीन चार साल इसको हिलते हुए ही निकाल दू किसी का ऐसा हुआ है क्या कि वो दांत जो है वो धसा हुआ था आपकी इस पूरी जबड़े के अंदर तो आपने ये कहा कि नहीं नहीं मैम मैं ना इसको यहाँ पर थोड़ा सा हिल रहा है तो हिलता ही रहने देता हूं क्या ये संभव है जल्दी से बताओ एक बार क्या ये संभव? संभव है नहीं है ना तो ये दांत और जबड़े के बीच में भी कोई चाल चलन नहीं होता इसीलिए इसको कहते हैं अचल अचल मतलब ही नहीं है। इसको कहा जाता है। तो और एक दांत और जबड़े का कह देना जहां जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता अचल संधि का उदाहरण क्या है पहला आप लिख सकते हैं टीथ एंड जो यानी कि दांत और जबड़ा और दूसरा आप लिख सकते हैं यहां पर आपके क्रेनियम बोन्स जो आपके कपाल की हड्डी उपस्थित होती है इसी को हम क्या लिखते हैं इमूवेबल फिब्रस जॉइंट के आगे बड़े आराम से एक बोल्ड लेटर्स में लिख देना इम मूवेबल यानी कि कोई भी गतिशीलता कोई भी चाल चलन कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता डायरेक्टली पूछता है कौन सा जोड़ इम है यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट वहाँ पर नहीं होता है टीथ एंड जो है फिब्रस दांत और जबड़े के बीच में होगा और कपाल की हड्डी के बीच में होगा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैम

इसको नाम देते हैं कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस यानी कि अपूर्ण संधि के नाम से जाना जाता है अपूर्ण मतलब देखो जोड़ तो है थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होगा लेकिन पूरा नहीं होता तो इसको कहते हैं सेमी मूवेबल क्या कहते हैं सेमी मूवेबल इसमें होता है थोड़ा बहुत मूवमेंट और थोड़ा बहुत मूवमेंट कहाँ होता है हम अगर अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें देखें इधर अगर हम अपनी इस रीढ़ की हड्डी को देखें तो भाई इस पूरी की पूरी वर्टीब्रल कॉलम के साथ तुम 360 डिग्री का तो पता नहीं लेकिन हाँ साइडवर्ड राइट साइड लेफ्ट साइड आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड इतना मूव कर सकते हो कि नहीं जल्दी से बताओ एक बार कर सकते हैं तो मैम इसको कहा जाता है यहां पर आपका यानी कि अपूर्ण संधि अगर हम बोलेंगे कि रीढ़ की हड्डी को पूरा घुमा दे पॉसिबल नहीं है हड्डी टूट जाती है हड्डी टूट जाएगी ऐसा नहीं हो सकता तो ये जो हमारा कशेरुक स्तंभ होता है जिसके अंदर कल हमने बात की थी छब्बीस हड्डियों की यहाँ पर और दूसरा ये दोनों कूल्हे जहां पर जुड़े हुए होते हैं इस हिस्से के बीच को भी हम यही नाम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस ठीक है प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला हिस्सा होता है ये दो प्यूबिक की हड्डियां कल बताई थी आपको इन दोनों के बीच में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है पूरा मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा तो आप लिख सकते हैं कि इसके उदाहरण कौन से हैं पहला उदाहरण है जिसे हम नाम देते हैं हमारी कशेरुक स्तंभ इसकी जितने भी हड्डियां लगी हुई हैं कुछ ऐसा आकार इनका आपको देखने को मिल जाता है ठीक है वर्टिब्रल कॉलम और हम बात करें आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस जहां पर ये प्यूबिक की दोनों हड्डियां जुड़ रही हैं आप कह सकते हो कूल्हे का जोड़ यहां थोड़ा बहुत मूवमेंट नाम में ही दिख रहा है सेमी मूवेबल होता है सबको बात क्लियर हो रही है कि नहीं बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लो एक बार

फ्रीली really मूवेबल है साइनोवियल संधि कही जाती है वो तीसरा भाग होता है जिसको नाम देते हैं साइनोवियल अब ये साइनोवियल कहां से आया होगा इस चीज को और समझ लो थोड़ा सा मैंने कहा मान लीजिए एक हड्डी ये रही आपकी एक हड्डी ये रही अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी से जोड़ों में दर्द शुरू हो चुका है कितने ऐसे हैं बताना ईमानदारी से

में भी आपको जोड़ों में दर्द दिखता है तो इसके दो तीन कारण होते हैं एक कारण ये होता है कि या तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की मात्रा बहुत कम है क्योंकि विटामिन डी जब कम होता है ना तब उसके सिम्टम्स में थकान होना हड्डियों में दर्द होना जोड़ों में दर्द होना एक आम सिम्टम होता है लेकिन लोग कभी इस चीज को चेक नहीं कर पाते कि भाई थकान बहुत ज्यादा हो रही है मैं एनर्जी पूरी ले रहा हूं खापी भी रहा हूं मैं सो भी पूरा रहा हूँ नींद भी पूरी ले रहा हूं लेकिन फिर भी मैडम थकान बहुत ज्यादा है इसका एक रीजन माना जाता है कि आपके शरीर के अंदर क्या है विटामिन डी की कमी है दूसरा कहते हैं कि हमारी मान लो एक हड्डी ये आ रही है एक हड्डी ये आ रही है इसके बीच में ना एक लिक्विड भरा होता है इसके बीचों बीच में यहाँ पर एक द्रव्य है जो कि भरा हुआ होगा यहाँ पर इन दोनों हड्डियों के बीच में अब अगर मैं कहूँ कि ये लिक्विड आपका सूख गया 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 है 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 लिक्विड गायब हो गया है, कम हो कम किसी कारण से तब इसके मूवमेंट पे फर्क पड़ता है और हड्डियां जो हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि दर्द होना आपके तब शुरू हो जाता है होता है कि नहीं होता इनकी हड्डियों से आवाज भी आती है देखो है ना कुछ कह रहे हैं मैम धूप में बैठे अरे ये वाली धूप तो टैनिंग कर देगी सुबह सूर्योदय वाली धूप होती है वो तो भैया ये कहानी होती है जब आपके हड्डियों के बीच में यहाँ हाइलिन कार्टिलेज भी उपस्थित होता है और यही जब कम हो जाता है इसकी मात्रा कम हो गई आपने कहा माम ये सूख गया है इसकी मात्रा अब उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है तब आप कह सकते हो कि हमारी हड्डियों में दर्द जो है वो बनना शुरू हो चुका है इसके अंदर अगर हम देखें कभी कभी एक एसिड होता है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं इसकी मात्रा बढ़ जाती है जब यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है आपके तब गठिया नाम का रोग भी हो जाता है अर्थराइटिस है गठिया है ऑस्टियोपोरोसिस है बहुत सारे अलग अलग हड्डियों के रोग हैं लेकिन वो जो खास तौर पर जोड़ों का दर्द होता है ना इसके कमी की वजह से दिखाई देता है कि ये हाइलिन कार्टिलेज कम होता चला जा रहा है और हड्डियों से आवाजें आनी जो है लिक्विड जो है वो आपका कम हो गया और आवाज आनी शुरू हो जाती है तो यहां जो द्रव्य भरा हुआ होता है इसको हम नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूड साइनोवियल फ्लूड समझ पा रहे और यही जो है वो हमारा क्या करा रहा है इस प्रकार का जोड़ यहां पर पूरा का पूरा बना रहा है ठीक तो साइनोवियल संधि या साइनोवियल जॉइंट जिसका हम नाम देते हैं इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संधि और इसी पूर्ण संधि को कहा जाता है कि यहाँ फ्रीली मूवमेंट आपको दिखाई देता है ये फ्रीली मूवेबल आपको नजर आएगा मतलब यहां कोई भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती ये बेसिकली छह प्रकार का दिखता है इट इज ऑफ सिक्स टाइप ये साइनोवियल संधि के अपने आप में छह प्रकार हैं, जिसका पहला भाग आता है बॉल एंड सॉकेट संधि बॉल और सॉकेट जोड़ देखो तुम्हारे कंधे और हाथ के बीच में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा जोड़ बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है बॉल और सॉकेट हम मानते हैं कि ये जो कंधा होता है इसके अंदर ये हाथ की हड्डी ह्यूमरस आके फिट हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है हाँ भाई ये समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है मतलब मानता नहीं है भैया चलो अब करो तुम पढ़ाई भाई सेशन को एक बार अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो शेयर कर देना अपने भाइयों बहनों तक और बिना कंजूसी करे वो अंगूठे वाला बटन दबा देना कोई तुम्हारी जीएसटी चार्ज नहीं हो रही है यहाँ पे तो जल्दी से एक बार बताओ कि शोल्डर जॉइंट जो दिख रहा है ये कूल्हे का जोड़ जोड़े कंधे का जोड़ जो हम कहते हैं ये माना जाता है कि ऐसे एक बॉल है उसके अंदर आकर के आपका ये सॉकेट में ये बॉल आकर के फिट हो रही है तो इस संधि को इस जोड़ को शोल्डर जॉइंट कंधे का जोड़ या बॉल और सॉकेट हम कह रहे हैं ना बॉल आकर एक सॉकेट में प्रॉपरली आकर के क्या हो गई फिट हो गई है सो इसको नाम दिया जाता है बॉल एंड सॉकेट संधि बोलो बात क्लियर है बॉल और सॉकेट संधि शोल्डर में भी दिखाई देगी और सेम चीज हमारे जो थाई बोन होती है जैसे फीमर कहते हैं जांग और कूल्हे के जोड़ के बीच में भी हमें नजर आती है जो हमने प्यूबिक सिंफाइसिस पढ़ा था वहां और आपके थाई के बीच में यानी कि जांग की हड्डी के बीच में भी यही जोड़ नजर आता है ठीक है किसी और को कोई समस्या हो रही हो कॉपी पेस्ट करना हो तो बता दो ज्योति कह रही है मैडम रिकॉर्डेड क्लास है पढ़ेंगे ही नहीं हम तो रिकॉर्डेड क्लास होगी तो ध्यान नहीं है इस चीज के ऊपर अभी सवाल आएगा प्रश्न आएगा जब पेपर में तो कहेंगे अरे बताओ मैडम ने नहीं पढ़ाया हम तो उस टाइम पर कॉमेंट कर रहे थे हमें तो ध्यान ही नहीं था इस समय एक बार निकल गया ना फिर तुम देखते रह जाना फिर दोबारा एक साल का इंतजार करना इस बार तो तुम्हारी अभी एस का कैलेंडर सही चल रहा है तो पढ़ लो नौकरी ले लो वरना फिर पछताओगे कि आप क्या करूं आगे कभी कैलेंडर डिस्टर्ब हो गया तो मैम आप पता ही नहीं है कब आ रही है नौकरी कब मिलेगी छोकरी कुछ नहीं होगा फिर देखते रह जाना ना शादी होगी ना नौकरी मिलेगी घर से मिलेंगे ताने बस मुफ्त में फ्री के पैरों में भी हड्डियां तो पूरे शरीर में है ना सर से लेके पैर तक तो सब में होगा बस ये वाला जोड़ बॉल और सॉकेट कंधे में और कूल्हे में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा केवल कंधे में और कूल्हे में मिलेगा तो इसका एग्जाम्पल लिख लो एक शोल्डर ज्वाइंट और दूसरा हिप ज्वाइंट कंधे और कूल्हे के जोड़ में आपको यही दिखता है कंधे में और कूल्हे के जोड़ में ठीक है ये दो उदाहरण पूछेगा पॉल और सॉकेट के आप बता सकते हो अब एक ऐसा भी जोड़ होता है मैम जो सिर्फ एक दिशा में जाता है मतलब एक बात बताओ ये कोहनी है ये पीछे क्यों नहीं जा रही यहाँ से पीछे क्यों नहीं हो रही मतलब यहाँ कोनी में और आपके इस पूरे हाथ में जो जोड़ लगा हुआ है वो सिर्फ एक दिशा वाला है जैसे हम घर का गेट खोलते हैं ना जिसमें कब्जे लगे होते हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता एक ही दिशा में गेट खोलोगे तो वो खुल के आएगा ऐसे ही हमारी ये कोहनी है आप पैर के अंदर घुटने वाला जोड़ देखेंगे जो टखने के साथ जुड़ा हुआ है वो भी पीछे की तरफ मूव नहीं होता है तो ये जो जोड़ होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं कब्जा संधि कब्जे की तरह काम कर रहे हैं ना ये बॉल और सॉकेट की तरह काम कर रहे थे ऐसे ही मैं अगर बात करूं ये कब्जे की तरह देखो काम कर रहे हैं यहां पर तो इसको हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि कहा जाता है हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि कहा जाता है ठीक है सोनू रानी कह रही है कूल्हे का जोड़ कौन सा होता है कूल्हे का जोड़ प्यूबिक सिंफाइसिस और जो आपकी जांघ और बेसिकली कूल्हे के बीच में लगा होता है ये जो पैर दिख रहा है आपको ये पैर आकर के जो कूल्हे में फिट हो रहा होगा और हाथ जो आकर के कंधे में फिट होता है उन दोनों में पाया जाता है बॉल और सॉकेट यहाँ क्या दिख रहा है ये व्यक्ति भाई साहब सिर्फ अपने हाथ को देखो इतना ही घुमा पा रहे हैं ऊपर और नीचे बस पीछे नहीं ले जा पा रहे तो इसको नाम दिया जाता है कब्जा यानी कि हिंज ज्वाइंट अगला वाला टाइप है हिंज जॉइंट कब्जा संधि पर मिलेगी एक आपको मतलब इसका एग्जाम्पल लिख लेना एल्बो में, नी में, घुटने में, नी घुटने और आपके एंकल में यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी कोहनी का जोड़ आपके घुटने का जोड़ और आपके टखने का जोड़ एडी जिसे हम कहते हैं एडी का जोड़ इन तीनों में हमें नजर आता है हिंज जॉइंट इसको आप लिख सकते हो ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट इज प्रेजेंट वन डायरेक्शन मूवमेंट इज प्रेजेंट समस्याएं बहुत है जीवन में लेकिन समाधान ढूंढा नहीं चाहते ठीक है तो ऐसे कहते हैं कब्जा संधि अब देखो तीसरा एक और जोड़ आता है उस जोड़ को कहते हैं पाइवट जॉइंट पाइवट ज्वाइंट यानी कि पाइवट पे जैसे हम खूटी की तरह बात करें खूटी संधि इसे कहा जाता है अब आखिर क्या है ये खूंटी संधि खूंटी से पकड़ के मैंने किसी भी चीज को टांग दिया मई मैं मैंने कहा ये खूंटी है इससे पकड़ के मैंने यहां पर इसको टांग दिया है तो आप क्या देखोगे फ्रीली मूव कर रही है यहाँ पर खूंटी से टंगी हुई है ऐसे ही हमारी ये जो पूरा का पूरा खोपड़ी है जो हम जैसे कपाल की हड्डी के साथ देखते हैं ये भी आपकी क्या है एक प्रकार से खूंटी पर टंगी है आप कहेंगे यहाँ नीचे रीढ़ की हड्डी जा रही है जिसकी पहली हड्डी एटलस नाम से जानी जाती है और दूसरी हड्डी को एक्सेस के नाम से जाना जाता है जब हम रीढ़ की हड्डी पढ़ते हैं ना हमने कहा सर्वाइकल की पहली सात हड्डियां पहली सात में से मैडम पहली वाली का नाम बता दो तो पहली वाली का नाम होता है एटलस एटलस ग्लोब देखते हैं ना पूरा का पूरा ग्लोब आपका घूम रहा होता है एटलस से ही हम इसको याद कर लेंगे देखो इधर खूटी को ये मूव कर रहे हैं केवल और केवल कितना इतना ये पीछे घूम गया तो हाँ भाई अगर ये पीछे घूम गया तो क्या होगा फिर मैडम रात की नींद क्या दिन का चैन भी उड़ जाएगा होगा कि नहीं कि आज बताओ ये क्या ही देख लिया हमने तो इसको नाम दिया जाता है आपका खूंटी संधि कि हमारी खूंटी पर ये पूरा जो कपाल है वो टंगा हुआ है रखा हुआ है या मैं कह सकती हूँ जुड़ा हुआ है किससे इस पूरी रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की पहली दो हड्डियों के नाम याद रखना पहला वाला एटलस है और दूसरा वाला एक्सिस है क्लियर है तो इसको कहते हैं खूंटी संधि आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल यहां पर स्कल स्कल जॉइंट जॉइंट जो का होता है एटलस एटलस यानी कि मैं पहली हड्डी को कह रही हूं यह है आपकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री पहली कशेरुक में जो आने वाली आपकी सर्वाइकल वाली हड्डी होती है उसको कहा जाता है खोपड़ी का जोड़। कोई समस्या किसी को तो कहानी तीन जगह पड़ी एक बॉल और सॉकेट वाली कंधे में देख ली कंधे से कोहनी में आए तो कब्जा देख लिया और कब्जे से फिर जब हम स्कल की तरफ गए तो हमने खूंटी देख ली अब मैम ये जो पूरा हाथ होता है हमारा पूरा पंजा है कलाई है पंजा है उंगलियां हैं इन तीनों के बीच में कौन से जोड़ आते हैं तो यहां हम तीन जोड़ पढ़ेंगे और वो तीनों जोड़ बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं देखो जरा इधर आपने कहा कि मेरी कलाई है कलाई में कितनी हड्डियां बताई थी आठ इसी प्रकार से एडी में कितनी बताई थी सात अगर मैं कहूं ये एक दूसरे के ऊपर फिसल भाई ऐसे तुम बैंड नहीं मानते हो हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांध देते हो इस प्रकार से मैंने कहा ये घड़ी पहनते हैं या कलाई की बात करें तो आठ हड्डियां ऐसे लगी हुई हैं अगर ये एक दूसरे के ऊपर फिसल जाए ग्लाइड कर जाए मैं कहूं फिसल गई हैं एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर इनका मूवमेंट जो है वो बिगड़ चुका है तो इसलिए यहां से नाम याद रखेंगे हमारा ग्लाइडिंग क्या याद रखेंगे ग्लाइडिंग कहाँ कहाँ होगी हाथ की कलाई ऐसे ही पैर के टखने के अंदर या एडी एडी के अंदर ठीक है समझ में आ रहा है सबको कोई समस्या ज्वाइंट्स के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो बताओ एक बार वो मानव की खोपड़ी नहीं होती ना जो चारों तरफ घूम जाती तुम खुद सोचो तुमने कितने मानव की खोपड़ी को चारों तरफ थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेट करते हुए देखा अगली वाली को नंबर डी नाम देते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट अब ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ होता है ये पाया जाता है आपके एग्जाम्पल कार्पल में और पैर के टार्सल में या आप इसको ये भी लिख सकते हो इट इज प्रेजेंट इन इंटर कार्पल कार्पल के बीच में है और इंटर टार्सल यानी कि एडी और कलाई की हड्डियों के बीच में है ठीक है इसके बाद इन्होंने देखा कि यार ये हड्डियां जो हैं ये थोड़ी सी क्या हो गई हैं स्लाइड कर गई ग्लाइड कर गई मैंने कहा ग्लाइडिंग जॉइंट है ग्लाइड कर गई हैं तो आप ये देख रहे हो कि ये हमारी एक दो तीन चार ऐसे हड्डी थी ये थी अब इसके बाद क्या आता है भाई इसके बाद हमारे पंजे की पांच हड्डी आती है ये पंजे में पूरी और फिर ये अंगूठा लगा हुआ होता है मैं आपसे कहूँ इस अंगूठे के बीच में और उंगलियों के बीच का जो जोड़ होगा इन दोनों के बीच का जोड़ इसको कहते हैं सैडल जॉइंट जब हमारा अंगूठा किससे जुड़ा हुआ होता है उंगलियों से और सारी बची हुई जो उंगलियां हैं इस जोड़ को नाम दिया जाता है आपका Ellipsoid. अब एक ट्रिक से इसको याद करेंगे ट्रिक क्या है ये होती है बिटवीन फिंगर्स यानी कि उंगलियों के बीच में और यह पाई जाती है मेटाकार्पल और अंगूठे के बीच में यानी कि थंब के बीच में कुछ ऐसा ही जोड़ हमें देखने को मिल जाता है कि अंगूठा है और ये आपका मेटाकार्पल है पंजा है इन दोनों के बीच में क्या दिख रही है देखो इधर ये वाला जो, जो जोड़ होता है इसको नाम देते हैं सेडल ज्वाइंट ये थोड़े से दुखी हो जाते हैं दुखी क्यों हो जाते हैं कि मैडम ये ना ग्लाइड कर गई कलाई की हड्डियां अगर फिसल गई तो ये अंगूठा जो है वो दुखी हो जाता है सैड हो जाता है तो याद करेंगे सैडल और सैड होने के बाद ये एलिप्स फॉर्म में डांस करने लगता है मतलब क्या हुआ कि हम कलाई से पंजे पे आए और पंजे से उंगलियों पर आए तो प्रॉपर इसी सीक्वेंस में आए हैं पहले ये फिसल गए कलाई की हड्डियां फिसल गई ग्लाइड कर गई उसके बाद ये दुखी हो गए सैडल से याद रखेंगे सैड हो गए दुखी हो गए कहाँ दुखी हो गए जब ये अंगूठा दिखा रहे थे कि देखो तुम फिसल गए हम हाँ अंगूठा दिखा रहे हैं तो ये दुखी हो गए और दुखी होने के बाद फिर मतलब तो दुखी में लोग ना रोना शुरू करते हैं ये एलिप्स फॉर्म में डांस करना शुरू कर दिए थे तो एलिप्सॉइड मतलब उंगलियों की हम बात कर रहे हैं सारी की सारी जो आपकी फोर्टीन चैलेंजेस होती है उंगलियां होती है उसके बीच में ये एलिप्सॉइड संधि आपकी उपस्थित होती है समझ पा रहे हो कि नहीं मैम साइनोवियल लिक्विड क्या होता है साइनोवियल लिक्विड जो दो हड्डियों के बीच में आपका द्रव्य पाया जाता है उसको हम कहते हैं जहां पर मूवमेंट पूरी तरह से फ्रीली नजर आ रहा है यानी कि आप कह रहे हो कि हमारे पास ये कलाई है या आपका जो कंधा है ये आसानी से पूरी तरह से क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो इसको हम नाम देते हैं आपका साइनोवियल फ्लूड बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ तकलीफ होती है अरे कोई तकलीफ नहीं होती ठीक है याद कर लो पेपर निकल जाएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा तकलीफ तो जीवन में लगी रहेगी e और एफ वाला सेडल वाला कहाँ है इस अंगूठे और इस पंजे मैंने कहा अंगूठे या उंगलियों के साथ हमारा जो पंजा कनेक्टेड है आपने कहा ये पंजे की पांच हड्डियां हैं ये पांचों कहीं ना कहीं तो इन उंगलियों से जुड़ी हुई होंगी ना अब ये जो उंगलियां शुरू होंगी तीन तीन हड्डियों वाली इनके बीच में पाया जाता है ये सैडल वाला जोड़ यहां कहीं उंगलियों में तीन तीन हड्डी होती है अंगूठे में दो हड्डी होती है तो यहां इस बीच के जोड़ को जो इन दोनों को जोड़ कर रखा हुआ है इन दोनों को जोड़ कर रखा हुआ है उसमें सेडल है और एलिप्सॉइड ये उंगलियों की तीनों हड्डियों को जोड़ करके कनेक्ट करके रखा हुआ है इसे नाम दिया जाता है एलिप्सॉइड ठीक है किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है ये ये देखो ये अभी तक कैल्शियम और चौक पे पड़े हुए हैं तो बेटा ये है हमारे जोड़ मुख्य प्रकार से तीन जोड़ हमने देखे एक जहां बिल्कुल मूवमेंट नहीं है जिसको हमने फिबरस जॉइंट कहा दूसरा कार्टिलेजनस है जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट है रीढ़ की हड्डी में देखा और तीसरा वाला जिसके अंदर आपने कहा पूरा फ्रीली मूवमेंट नजर आ रहा है फ्रीली का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप आसानी से 360 डिग्री क्या जिस प्रकार से भी मूवमेंट हो रहा है आप उसको यहां पर करा सकते हैं हैं तो याद रखिएगा कि ये हमारे दिखाई देते हैं हमारे जोड़ों के साथ अब कुछ सवालों को लगा दो और देखें तुम कितने पानी में हो चलो भाई पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट पेयर बताइए अब तुम हड्डियां भी पढ़ लिए हो जोड़ भी पढ़ लिए हो अब जल्दी से बता दो एक बार यूरिक एसिड ना एक प्रकार का वेस्ट होता है हमारी बॉडी में यूरिया ही रह गए यूरिक की मात्रा इकट्ठी होती चली गई और होती चली गई तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है तब गठिया नाम की गाउट नाम की समस्या वो बननी स्टार्ट हो जाती है आई होप क्लियर है ये पूरे पानी में है इनके सारे सवाल जो है वो सही होने चाहिए अब कह रहा है इनमें से सही जोड़ी बताओ अभी मैंने तुम्हें कहा ग्लाइडिंग जॉइंट कहा होती है बिटवीन कार्पल्स पहला ही पढ़ते याद आ जाए कार्पल मतलब कलाई कार्पल के बीच में हमारी कौन सी जोड़ थी ग्लाइडिंग वाली जोड़ दिख रही थी तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया मैम बाकी तो नीचे जाना ही नहीं है और नीचे कार्टिलेजनस जॉइंट कह रहा है कार्टिलेजनस कौन सा था अपूर्ण संधि थी अपूर्ण फ्रंटल पेराइटल के बीच में नहीं थी भाई रीढ़ की हड्डी में थी इन दोनों के बीच में ये स्कल की हड्डी है इनके बीच में कौन सी थी आपकी फिब्रस संधि थी तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया फिर कह रहा है कब्जा कब्जा कहां लगा रहा है कंधे में ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में ये भी गलत है यहां कौन सा होता है बॉल और सॉकेट होता है और पाइवट संधि कह रहा है सर्वाइकल वर्टिब्री तीसरी और चौथी में नहीं फर्स्ट और सेकंड के बीच में होती है उसे हम खूंटी संधि का नाम देते हैं ठीक है उसे खूंटी संधि का नाम देते हैं अगला बताइए कौन से ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है अच्छा जितने भी हमारे साथी दोस्त भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं और लगातार आप लोग का मिशन 2024 की जो क्लास है वो रोज सुबह 11 बजे आपके इसी प्लेटफॉर्म पर रैंकर्स गुरुकुल पर डेली चल रही है आप लोग भी अपनी क्लासेस को लगातार कर रहे हो और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं मतलब हम बात करें डाइजेशन की रेस्पिरेशन सर्कुलेशन स्केलेटल सेल काफ़ी न्यूट्रिशन से लेकर के काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे हो गए हैं कल आप लोग का एक मॉक टेस्ट है कल सुबह ग्यारह बजे जिसमें हम अब तक जितना पढ़ा है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं तो कल देखेंगे तुम वाकई में कितने पानी में हो कल आप सबको अपना जो भी रिवीजन कर सकते हो जो सीरियस एक्सपीरियंस है मैं वापस कहूंगी भैया जो सीरियसली चाहते हैं ना ये एग्जाम इस साल तुम्हारा हो कि तुम्हें एक सीट चाहिए तो तुम अपने उस एक सीट के लिए बिल्कुल ढंग से मेहनत कर रहे हो ये नहीं कि बैठे हैं किसी दूसरे के भरोसे समय के भरोसे कि जब मौका लगेगा तब कर लेंगे मत करना ये काम वाकई में जो चाहते हैं कल के मॉक टेस्ट के लिए रिविजन कर लेना और फिर देखूंगी कितने वाले हम स्टार्ट करेंगे आपके एक नए चैप्टर को। कोई डाउट नहीं है किसी को आंसर लगा रहे हैं फिब्रस ज्वाइंट बहुत बढ़िया अचल कोई चाल चलन है ही नहीं ठीक है अचल संधि है देर इज नो मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट है अगला सवाल है जॉइंट बताइए जो एटलस और एक्सेस के बीच में होता है हाँ भाई टेंडन और लिगामेंट में मेनली जो डिफरेंस होता है ना वो टेंडन हड्डी से हड्डी को जो मांसपेशी को जोड़ रहा होता है और लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा होता है तो ये अंतर आपको यहां पर दिखता है अब कह रहा है कि एटलस और एक्सिस के बीच में तो कुछ सी लगा रहे हैं कुछ डी लगा रहे हैं भैया देखो सिंपल सी कहानी एटलस और एक्सिस क्या है रीड की हड्डी है रीढ़ की हड्डी है और जब हम रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे ये किससे जुड़ी हुई थी हमारे स्कल से जुड़ी हुई थी तो डेफिनेटली मैडम इसमें हमने पाइवेट संधि का नाम पढ़ा था वैसे अगर हम पूरी की पूरी वर्टिप्रल कॉलम में देखेंगे छब्बीस हड्डियों के बीच में वहां आपका कार्टिलेज होता है जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं आपकी कशेरुक स्तंभ की हड्डियों के बारे में लेकिन हम स्कल के साथ बात करेंगे तो एटलस और एक्सिस का जोड़ जो होता है वो खूंटी संधि के नाम से जाना जाता है खूंटी संधि के नाम से जाना जाता है अगला बताओ हमारी कोहनी में किसका उदाहरण नजर आता है क्या नाम है जो कोहनी का जोड़ होता है कोहनी के जोड़ का क्या नाम होता है क्लास आप लोग की सेम टाइम पर चलती है इसी के साथ-साथ ना आपकी आरजी स्टेट एग्जाम्स पर जो जीडी वाले बच्चे यहां पर पूछ रहे हैं भाई जीडी की क्लास आपकी दोपहर को हो रही है 1 बजे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में दोपहर एक बजे और जो बिहार एसएससी के लिए हैं उनकी रात्रि आठ बजे चैनल है आपका आरजी स्टेट एग्जाम्स आप लोग वहां पर कनेक्ट कर सकते हो और जी कितने दे रहे हैं मुझे एक थम्सअप का साइन शेयर कर दो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कितने साथी यहाँ पर ऐसे हैं जो जी का एग्जाम दे रहे हैं जल्दी से एक बार बताओ हिंज इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया एल्बो में कौन सा होगा यहीं पर आपका नी ज्वाइंट आ जाता है यहीं पर आपका एंकल ज्वाइंट आ जाता है पैर में एंकल की बात करें ठीक है राइट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन अगला कह रहा है कि अस्थि टिबिया जो है वो कहां पाई जाती है खोपड़ी में है पैर में है भाई ओके ठीक है अभी जितने भी जी दे रहे हैं ना आप लोग के लिए एक सरप्राइज है इस क्वेश्चन को कवर करो फिर बताते हैं अभी जो कह रहा है टिबिया टिबिया नाम की हड्डी कहां थी टिबिया थी हमारे पैर के अंदर कहाँ थी पैर में टिबिया और फिब्यूला नामक हड्डी पैर में उपस्थित दिख रही थी पैर में टिबिया और फिब्यूला नाम की हड्डी दिख रही थी देखो कुछ इस प्रकार से एक टिबिया है दूसरी फिब्यूला है और ये जुड़ी हुई है हमारे एडी से और एडी के बाद आगे पंजे आपके नजर आएंगे राइट चलो मत मैं एक सरप्राइज यहाँ पर बता देती हूँ और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सरप्राइज आपका कुछ इस प्रकार से है कि भाई जो भी तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की आप लोगों के लिए ना कल नहीं संडे को यानी कि सत्रह दिसंबर को सत्रह दिसंबर को शाम को पांच बजे ठीक है फाइव पी पर एक मैराथन लेके आ रही हूँ मैं जिसमें बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट के साथ पी वाई क्यू कॉन्सेप्ट सब कुछ रहेगा तो शाम को पांच बजे दिन है तुम्हारा संडे का आप लोग जरूर से जुड़े और अपने इस क्लास को अटेंड करें आपके जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है जो भी तैयारी कर रहे हैं जीडी की आप सबके लिए स्पेशल बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपकी मैराथन है और देखा जाएगा कि भैया आपको कितनी तैयारी आपकी चल रही है और ये जितने भी क्वेश्चन सीरीज होती है ना जब भी मैराथन हो क्वेश्चन सीरीज हो वहां से एक चीज पकड़ा करो कि आपके कितने सवाल गलत हो रहे हैं सही तो तुम कर देते हो कॉन्फिडेंस है तुम्हें गलत जो कर रहे हो ना उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा जाओ चेक करो पढ़ो और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करो ये कहलाती है कि कि मतलब हमने तैयारी पूरी कर ली अब एक बार रिवर्स में जा करके ट्राई करते हैं कहा गलतियां हो रही हैं राइट तो ये काम जरूर कर लेना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना चैनल है आपका आरजी स्टेट एग्जाम्स जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लेना ताकि आपके पास जैसी क्लास शाम को पांच बजे शुरू हो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रॉटॉइज के अंदर राइट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा स्केलेटन पाया जाता है आ जाओ इधर अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा नमक हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है करो भाई सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा सॉल्ट उपस्थित होता है हड्डियों के अंदर बहुत बढ़िया ए कह है रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट यहां पर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें मुख्य तौर पे आप कहते हो हड्डियों के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी इंपॉर्टेंट है भैया सोडियम क्लोराइड नमक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हर जगह यही होगा जो बी लगा रहे हैं मैम नमक के नाम पे एन ही याद आता है नहीं कैल्शियम फॉस्फेट है जो कि आपका मुख्य तौर पर कहाँ होगा आपके हड्डियों के अंदर हड्डियों की मजबूती के लिए ये इम्पॉर्टेंट देखा जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और इसी के साथ भैया आप लोगों का एक सवाल है जो तुम लोग मुझे बताने वाले हो होमवर्क के अंदर जो कि है कुछ इस प्रकार से कि ग्लिनोइड कैविटी किसको जोड़ रही है इसका चर्चा करेंगे अगली जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर ग्लिनोइड कैविटी जो है ये आपके किसके बीच में नजर आती है ये सोचिए समझिए और इसका आंसर मुझे चाहिए ऑफलाइन कमेंट होमवर्क के अंदर आप लोग ये करने वाले हो यहाँ पर ठीक है एंड आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई हो ये टेलीग्राम रहा आप लोगों का तो अगर नहीं जुड़े हो अभी तक rankers gurukul टेलीग्राम चैनल से तो एक बार कनेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों की जो भी क्लासेस की पीडीएफ रहती है वो आपको क्लास के तुरंत बाद से वहाँ पर मिल जाए एंड आई होप कि एंड आई होप कि आप सबको सेशन जो है वो पसंद आया हो जॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं एक थम्सअप का साइन भेज दो से और सेशन को अपने जितने भी दोस्त यार भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं जो भैया यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं और अपने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट के लिए तलाश में हैं तो जरूर से उनको बताइएगा शेयर करिएगा और बाकी मिलेंगे आपसे कल सुबह सेम टाइम सेम जगह टिल देन हैव अ वेरी गुड डे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हैव अ वेरी गुड डे थैंक यू सो मच